बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है भाई ये। चंदा लगा, चंदा लगा रहा है, पैसा दिखाओ। चंदा 5-5 रुपए दिखा रहे थे मैं, अच्छा मैं इसका क्या करूं? इसीलिए मैं कुछ नहीं। ये मेन गेट है, एंट्री गेट, ठीक है। एक गेट यहाँ से लगा हुआ है, एक गेट वहाँ से लगा हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ बना हुआ वगैरह नहीं है, मतलब सिर्फ साइड जैसे गिराया गया है। पूरा पट्टा फाड़ दूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे तुम लोग आए हो? तुम लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। आज भाई ये बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। डेली मैं शूट नहीं करता हूँ, तुम लोग को पता है। मैं शूट करता हूँ तो सिर्फ शॉर्ट, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा हंसी आए और थोड़ा सा इंटरटेन भी हो, इसलिए मैं थोड़ा फनी शॉट ट्राई करता हूँ। तो उसको आप लोग जो है कमेंट में बताना कि हाँ भाई अच्छा लगता है आपको, नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ब्लॉग वगैरह कम ही डालता हूँ। बाकी थोड़ा शॉर्ट पर भी ज़्यादा और इंटरटेन करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। आज के जो ब्लॉग इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे यहाँ पे पर्सनली बन रहा है हम लोगों के लिए। हम लोगों क्या मतलब पूरे कस्बे के लिए। कच्ची देखने के लिए मेरा पूरा ब्लॉग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे पहला काम ये है कि अभी मैं चल रहा हूँ अपनी बाइक वगैरह ढूंढने के लिए, क्योंकि ये पहला काम है मेरा। और भी काम कर चुका हूँ लेकिन ब्लॉग अभी शुरू कर रहा हूँ, तो आज का पहला काम यही है। पहला क्या मेरे हिसाब से दूसरा काम या तीसरा काम शायद है। दो काम तो मैं कर ही चुका हूँ घर का, और ये तीसरा काम यही है। फिर देखता हूँ दोस्तों को, मैं अपने बाइक उसी से ही मिलता हूँ। स्वयंपू से दिलने से ये है कि थोड़ी बाइक में शाइनिंग आती है, ठीक है, और थोड़ा बाइक अच्छी भी लगती है। अच्छा, तो बाइक भी बाहर खड़ी है, मैंने उसमें सिर्फ पानी वगैरह डाला, धुला नहीं है। तो अभी चलो आपको दिखाता हूँ, ये पहला काम है मेरा, ठीक है। अम्मी क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? और अरे का पत्ता सायदा, क्या मतलब? बरसात के मौसम में होता है। बरसात के मौसम में होता है, देखो दिखाता हूँ। इसमें पानी वगैरह डाल दिया है, देखो। वैसे थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा घिसा भी है कपड़े से मस्त ऐसे ऐसे करके। और अभी चल रहा है इसको शैम्पू से धुलने, ताकि थोड़ी सी बाइक और चमके, ठीक है। तो भाई मैंने अपनी बाइक वगैरह धुल ली है और बहुत ज़्यादा काम हो गया यार, पसीने पसीने हो गए, देख रहे हो, पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया यार पूरा गाड़ी धुल के। तो अभी इसको थोड़ा सा पोंछते हैं किसी से कपड़े से, क्योंकि मैं अपनी मोस्टली अपनी बाइक जो है इससे पोंछता हूँ, कहाँ गया वो क्लीनर। अभी मैं अपनी बाइक को इस चीज़ से क्लीन करने चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बाइक को मोस्टली इसी से ही क्लीन करता हूँ, इससे जो है और बढ़िया शाइन आती है, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ इससे क्लीन वगैरह करके। तुम्हारा भाई बहुत तेज है भाई, किसी को भी गाड़ी धुलवानी हो बस कॉन्टैक्ट ओनली, बस पर घंटे 500 रुपये दे देना, बस 500 रुपये में गाड़ी अगर आपकी क्लीन होती है, ठीक है, नहीं तो फिर पैसे और चार्ज लगेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तभी चलो इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं, और आपको भी दिखाता हूँ। भाई मैंने लिया हुआ है अपनी मम्मी का दुपट्टा, आज मैं इसको खराब कर दूंगा, पूरे का पूरा दुपट्टा फाड़ दूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई गाड़ी हो चुकी है क्लीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, थोड़े से स्क्रैच वगैरह हैं यार, इसी वजह थोड़ी सी ख़राब लगती है, बाकी गाड़ी एक नंबर भाई हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक बार कोल्ड स्टार्ट करते हैं, भाई अपने 10 आवर से कम थोड़ी ना है। ओ भाई यार, बैटरी डाउन हो गई है भाई इसकी, गजब बेइज्जती है की तो पूरी। भाई मजा आया। तो भाई यार इसकी जो है बैटरी वगैरह डाउन हो चुकी है, तो इसकी वजह से बाइक नहीं स्टार्ट नहीं हो रही थी। सेल्फ से होती है लेकिन रुक रुक जाती है बीच बीच, पता नहीं क्या होता है। तो बैटरी इसकी चेंज वगैरह कराऊंगा, जो बैटरी है वो गारंटी में है, जो है अभी 5 महीने भी नहीं हुए होंगे ढंग से, बैटरी डाउन हो चुकी है। अभी इसको चल के दिखाते हैं, अभी नहीं, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद देखो अभी मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। आपको वो चीज़ भी दिखाना है जिसको मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो उसको देखने के लिए ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि बहुत यूनिक चीज़ है,
पहली बार बन रहा है और कुछ ऐसा चीज़ है जो कि अपने कूड़े भार में सिर्फ वही ऐसा चीज़ है जो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो बने रहो, दिखाऊंगा ज़रूर, थोड़ा सा इंतज़ार करो मेरे जाओ। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी उस जगह पे जहाँ पे हमें आना था। तो आप लोग देख सकते हो सामने ही पार्क बन रहा है और धर्मगन रोड है, यहाँ से जो ये नहर पड़ती है पास में, ठीक है, यहाँ से आपको राइट साइड में आना है। जी, यहीं से आना है, आ गई है। समझ रहे हो? अभी सामने ही है भाई, ठीक है। तो यही चीज थी जो आपको दिखाना था, मैंने आप लोग को पहले नहीं बताया था लेकिन अभी बता रहा हूँ। चश्मा लगा के दिखाना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल नहीं हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? कमेंट करो भाई कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है बिना चश्मों के और चश्मे में, ठीक है जी। तो भाई ये जो है हमारे यहाँ की सबसे पहली यूनिक चीज है जो कि इनके द्वारा बनाई जा रही है। मेरे द्वारा या किसी के द्वारा बनाई तो जा रही है कम से कम यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई मेरा पैसा दे दो यार। भाई आप लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा कि 1 रुपए भाई ने मेरे से ज्यादा लिया हुआ था, तभी वो भी उधार है, तो भी लेना ही है, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ भाई, सुन। तो ये देख लो भाई, यहाँ से ये क्या है, अंकित क्या है, व्हाइट वाला घर है, पंचायत भवन। अच्छा हाँ, पंचायत भवन है और सामने भाई पार्क है। भाई इस पार्क का नाम पता नहीं क्या होगा, आप लोग कमेंट करो, जो भी यहाँ से है उन लोग आप लोग कमेंट कर सकते हो कि इस पार्क का नाम क्या हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? कूड़े भार का वसीक भाई द्वारा बनाया गया पार्क। अबे इतना बड़ा नाम थोड़ी कोई लेगा, छोटा ही नाम होगा। अबे पार्क ही है, कुछ और है। अबे मैं दिल की बात कर रहा हूँ यार, तुम वहां तक न मत पहुंचो भाई। अरे भाई भाई इस पे तो मीम लगेगी भाई। और किसी से पूछते हैं भाई पार्क है कि क्या है या फिर क्या बन रहा है ना। और किसी से पूछे पता नहीं, अबे पार्क सब कह रहे हैं तो पार्क ही होगा भाई। किसी से पूछे, आओ उधर से चले ऐसे। हाँ पार्क है ना, पार्क ही है ब्रो। अच्छा पार्क को क्या नाम है, कुछ नाम हम रखा जाए इसका? नहीं अभी कुछ नहीं, काफी बढ़िया पार्क बन रहा है लेकिन बहुत छोटा है मेरे हिसाब से। डेवलप्ड है पर ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अच्छा इस बार बनेगा, अच्छे से बनेगा। अच्छा तो भाई अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है काम वगैरह चल रहा है, भैया जो है थोड़ा सा लोहे वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, ये सब देख सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ बना वगैरह नहीं है, मतलब सिर्फ साइड जैसे गिराया गया है और सामने थोड़ा सा किस टाइप का भाई लग रहा है ये। थोड़ा वैसे मुझे लग रहा है वैसे, लेकिन काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से, ये बैठने वाला होगा ना, ये बैठने के लिए होगा यार। इधर तो पानी वगैरह हो सकता है, वो सब लगे जो भी होगा, बैठने का होगा सिटिंग एरिया। वही वही कह रहा, सिटिंग एरिया तो होएगा ही, लेकिन यार मेरे हिसाब से छोटा नहीं लग रहा तुम्हें, है ना? थोड़ा इतना है भाई कि जो कहते थे कूड़े भार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देख लो लेकिन बन रहा है, कूड़े भार डेवलप हो रहा है, वही चीज। इधर भी लगता हो सकता है कुछ बन रहा, देखो इधर रास्ता वगैरह दिखा रहे हैं इधर पे, ये हो सकता है वहाँ से ऐसे रास्ता है, यहाँ से एंट्री के लिए हो, सामने हाईवे है। हाँ इधर से भी हो सकता है। अबे सही है यार, गर्लफ्रेंड को लाने वाला है। गोली समझ रहा, समझ रहे हो ना, गोली गोली गर्लफ्रेंड को लाने वाला है। गुड्डू गुड्डू हो रहा है। ये मेन गेट है, एंट्री गेट, ठीक है, एक गेट यहाँ से लगा हुआ है, एक गेट वहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ दो गेट है, ठीक है। और जगह की बात करें तो भाई इस जगह का नाम है हनुमान का पुरवा, ठीक है, हनुमान का पुरवा। और कभी करीब इसमें लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा कम से कम इसे कंप्लीट होने में, ठीक है। बाकी अभी आप लोग देख सकते हो सिर्फ साइड से ये लगाया गया है और बीच में अभी कुछ नहीं लगाया, तो लग रहा है एक सीट वहाँ पे है और एक ये लगाया जा रहा है सीटिंग एरिया, बाकी और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, है ना अंकित? और तो बाकी फिर अभी थोड़ा बन जाएगा तब समझ में आएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी फिर जब ये बनेगा फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बाकी जो लोग भी कूड़े भार से देख रहे हो लाइक कमेंट कर देना, बाकी अगर कुछ पूछना होगा इसके बारे में तो बता सकते हो, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये पहला कुछ ऐसा बन रहा है अपने यहाँ की जो देखने लायक है और अच्छा है, ठीक है। तो और भी लाइफ में कुछ बनेगा तो भी दिखाऊंगा, तो बाकी लाइक कमेंट कर देना। चलो फिर यहाँ से चलते हैं अभी, ठीक है। कूड़े भार में अगर कुछ देखने वाला है तो पहले अंकित को, उसके बाद फिर इस पार्क को, तुम्हें नहीं भाई। अबे ये अपने आप को पार्क से कंपेयर कर रहा है, मतलब समझ रहे हो? मिसाल ना हरा भरा। अरे भाई अबे बस बस नहीं 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 भाई, पार्क से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यार, बस भाई ब्लॉग खत्म करते हैं अभी यहाँ से, चलो। यार मेरी बेइज्जती मत करो यार, इसीलिए कहता हूँ ब्लॉगर से दोस्ती मत करना कभी, साले ऐसे तुम्हारी इज्जत की नीलामी कर देंगे यार। चलो भाई अभी यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से चलते हैं, लेकिन भाई मेरे 90 रुपए दे दो यार, पहले 1 रुपए दो मेरा। हाँ ये कर लो पहले।
यार 1 रुपया नहीं है भाई मेरे पास यार, इससे बोल दो यार मेरा पैसा दे दो यार। चलो ठीक है, मजाक से हट गए भाई, ठीक है अभी यहाँ से चलते हैं और कुछ भी नहीं है। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है ब्लॉग वगैरह बन गया है, अभी देखो इसके आगे और क्या होगा, जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे। अभी यहाँ से हम लोग चल रहे हैं घर, ठीक है। बाकी रास्ता अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो बाकी जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग बता देना, ठीक है। तभी यहाँ चलते सीधा घर, और आज इसके दोस्त का जो है बर्थडे वगैरह है तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, और जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे। पार्टी वार्टी नहीं मिलेगी भाई, तो बस अच्छा घर पे खाना खा लो बस, बहुत है। नहीं भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है अभी, क्योंकि उसने भाई कल पार्टी वगैरह की थी लेकिन हम लोग को नहीं दिया है, तो आज देखो क्या होता है। खाऊंगा तो जरूर, छोड़ूंगा तो नहीं भाई। शाबाश बेटा, हमारा भाई खाने में बहुत ज्यादा आगे है। मान लो नहीं खिलाया तो? नहीं खिलाया तो तुम खिलाओगे और क्या, दोस्त ही निभाता है भाई। मेरा पैसा दे दो यार भाई, दे दो 1 रुपया बाकी है भाई, वो भी लूंगा अभी। अरे यार तुम पहले जितना बचो उतना दे दो यार, उसके बाद 1 रुपया ले लेना भाई। अच्छा रुको 1 रुपया मत लो, लो मुझसे कलम ले दो यार, पेन ले लो, हिसाब किताब बराबर कर लेना भाई। तुम 1 रुपया मेरा मत दो ना, मैं तुम्हें 90 रुपये दूंगा, ठीक है हिसाब बराबर। IAS बन जाओगे यार भाई, हमको बनना ही नहीं है IAS, छोड़ो। चलो भाई अभी यहाँ से चलते हैं घर, और घर नहीं जहाँ भी जाएंगे आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। राशन लावे, राशन लावे। अभी जा रहा है राशन लाने। क्या करें, भिखारी भी तो है, गरीब है भाई हम लोग, अभी चल रहे राशन वगैरह लाने, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ से चलते हैं भाई। ये दुबई वाला बहुत पहले खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी ये प्रचार हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है ब्रो, क्या हो सकता है, सिस्टम है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं अपने, कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाइनीज के रेस्टोरेंट में, पार्टी रहेगी ऋतिक भाई। पा देखो आज है ऋतिक भाई का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे ब्रो, फिर से मैं इसको एक बार विश कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्टेड था लेकिन मजा आया, स्क्रिप्टेड था लेकिन देखो भाई बर्थडे इसका जो है कल था, लेकिन झूठ कहे बोले तो कब था, परसों था यार। नहीं भाई कल ही था, बस ये थोड़ा शनिवार कर रहा टॉर्चर, बस टॉर्चर कर रहा है। तो अभी हम लोग, अभी मेरे साथ में है प्रिंसु, अंकित, मैं हूँ, और बर्थडे बॉय। मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं भाई। तो आज भाई बढ़िया सुंदर लगाने में लेके आया हूँ अपने ऋतिक भाई को, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम लोग बहुत ज्यादा भागते हैं। और मुझसे बड़ा भूखा तो ये है भाई, मेरा पेट भरा हुआ है, टाइम पास के लिए। अच्छा तो बहुत बड़ा गद्दारी किया है साले ने। अच्छा मैं इसका क्या करूं, इसलिए हमें कुछ नहीं कर सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ, गद्दारी की हुए है, गद्दारी की सजा मैं देता हूँ। अरे बस बस ठीक है, आओ बैठा जाए, गद्दारी की हो तुम। अबे अंकित तुम गद्दारी की हो मगर वे उसके साथ में, और हम 12 साल की दोस्ती के ही सजा दोगे मुझे, ये गद्दारी करेंगे, गद्दारी की होवे तुम, देखा देखा था ना मेरा दिखा, गद्दारी की हो भाई। भाई देखो यार क्या करें भाई, यहाँ चंदा लगाया जा रहा है, चंदा लगा रहा है, पैसा दिखाओ, 5,000 रुपये दिखा रही। बताओ बर्थडे वो यहाँ बैठा है, चंदा लगा रहा है, जाओ बोल के आओ, जाओ उठो बोल के आओ। ये तो भाई अभी मंगवाया चाउमीन और ये मंचूरियन, तो सब लोग यही खा रहे हैं, तो अभी खा पी के फिर यहाँ से चलते हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, केक वगैरह बहुत पहले कट गया था, अभी बस पार्टी हो रही है। दो ऋतिक भाई थैंक्स ब्रो, बाकी क्रेडिट ये ले रहा है ब्रो, क्रेडिट मगर ये ले रहा है भाई। आई एम योर फादर ब्रो राइट नाउ, आई एम नॉट गुड ब्रो। हां बस 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 बोलो, ये जाके सीख लो ब्रो, पहले ये जाके सीख लो। ऋतिक भाई भाई सिंगल है, जो भी लड़की देख रही है, जो भी कोई भी देख रही है, प्रपोज करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपना एडिट बता दो जल्दी से, बताओ भाई प्रमोशन हो रहा है तुम्हारा, जल्दी बताओ। अबे शर्मा मत बताओ यार, जल्दी बताओ। ऋतिक मोदनवाल, मोदनवाल प्रोफेशनल, प्रोफेशनल डन डन भाई, सेट अभी सेट भाई। मेरा ITZ_ अंकित 472, लड़की लड़की भी कर सकती है। आवाज म्यूट यहाँ पे, आवाज म्यूट भाई। नहीं भाई
सुनो लड़के भाई मेरे जितने भाई हैं, जितने भी लड़के हैं इसको प्रपोज कर सकते हो। लड़कियां नहीं करना, कोई लड़की नहीं करना, लड़की नहीं करेगी, लड़की नहीं करेगी भाई मेरे पास। नहीं नहीं भाई, जितनी भी लड़की, बस ऋतिक भाई के लिए ऑफर, सिर्फ ऋतिक भाई के लिए था, ठीक है ना। डन भाई, अभी हम लोग जो है खा पी कर वापस जा रहे हैं घर की ओर, और काफी बढ़िया था जो कि ऋतिक भाई ने दिया हुआ था बर्थडे। और ये लोग मेरी चप्पलों का दबा रहे थे, ऐसा मत करो नहीं तो फिर गद्दारी हो जाएगी, मतलब मार मार दूंगा अभी। भाई और देखो, और पूरा क्रेडिट भाई अंकित ले रहा है, तो ऋतिक भाई से पूछते हैं कि क्या रिस्पॉन्स था। ऋतिक भाई देखो, पार्टी तुम लिए थे, बर्थडे भाई तुम भी थे, तो पूरा क्रेडिट अंकित क्यों ले रहा था ये बताओ। अंकित को क्यों दूं यार, तो वही चीज ना भाई, मेरा है सब सिस्टम। हां यार, पार्टी में मजा आएगा, होने से बताना मजा आएगा। नहीं यार, काफी बढ़िया था, देखो जो भी था बढ़िया था भाई। हमारा एक दोस्त जो है अपनी बाइक वगैरह पा गया और निकल गया घर की ओर जी। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं सीधा घर, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। हम लोग उसी जगह पे आए थे जिस पे मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग वगैरह बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हम लोग वहीं पे आते हैं। लेकिन पैदल आते, देखो पैदल हम लोग इसलिए आते हैं ताकि थोड़ा घूमने टहलने में मज़ा आता है, और काफ़ी अंधेरा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं BMW घर पे खड़ी है भाई। BMW बाकी खड़ी तो है, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है मैं गड्ढे में ना गिर जाऊं, क्योंकि पूरा अंधेरा है, देख लो यार। और आईडी ले लेना, आईडी दे दो भाई, कब दे दो भाई। नहीं दूंगा भाई, अंकित भाई गद्दारी कर रहा है। ऐसे गद्दारी करोगे, गद्दारी करोगे, दे दो बे गद्दारी सजा। मरना तेरे को डर नहीं लगता भाई? ये चीज इन दोनों का हर वक्त चलता रहता है। ये तो यार बता भाई। अच्छा अबे अबे भाई, ये चीज इन दोनों का हमेशा चलता रहता है। चलो फिर अभी चलते हैं घर, चलने भाई, अभी हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए। अच्छा, और टाइम हो रहा है, बोतल पानी निकालता हूँ फ्रिज से। चलो भाई, कहीं ये यार भाई, आज हमारे यहाँ बना हुआ है ताड़ी। ठीक है, ताड़ी मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने ताड़ी बनाया हुआ है। समझ गया, तो खाना ना खा लेते हैं। भाई मैंने खाना वगैरह खा लिया, और अभी टाइम हो रहा है 11:30, और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊं, तो वहाँ पर मैंने लगाया हुआ रेजर लाइट। मैं जब भी सोता हूँ तो इसको लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक बार इसको फ्लैश बंद करके आपको दिखाता हूँ या मेरे। तो भाई जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है भाई ये। वाओ, ब्यूटीफुल। एक बार एक चीज़ और दिखाता हूँ, रुको भाई, देखो अभी कैसे चेंज होगा। देखो ये जो है ये देखो, देख रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं इसको अब जब भी रात में सोता हूँ ना भाई, मैं इसको डेली चला के मैं ऐसे ही सोता हूँ भाई। रेजर लाइट तुम लोग को कैसे लेके जरूर बताना कमेंट में। बाकी जो पार्क मैंने तुम लोग को दिखाया, वो पार्क भाई बहुत ज़्यादा अभी मतलब वैसे बना नहीं है, क्योंकि ये बनने में उसके करीब 1.5 महीना लगेगा। बन जाएगा फिर दिखाऊंगा, जाके प्रॉपर फिर से ब्लॉग बनाऊंगा। चलो भी ठीक है, ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, फिर सही मगर आते रहेंगे। तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, अच्छा लगा होगा, और प्यारा से कमेंट कर देना। फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।